लेकिन जब धोखा मिलता है अपनों से तो परेशान हो जाती है। इसलिए इस नकलब नाटिका को आप देखें। अब तक तो आपने साथ निभाया है, आगे भी मेरा साथ देना। मेरी नैया को उस पार लगा दो, हे भगवान, आपसे मेरी विनती है। ठगी पानी मेरी नैया, उसी पार लगा लेना। भगी पानी मेरी नैया, उसी पार लगा देना। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अभी तक तो महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ।
नहीं लेती। चूही ने उन्हें रोका है मुंदर, जब राव साहब के कहने पर सेनापति तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे तो इसने उन्हें पूरी तरह से धिक्कार दिया था। हाँ महाराज, मैं स्वराज के लिए ना सकती हूँ और बराबर नाचती रही हूँ, परंतु बिलासिता में डूबने के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। काश हम उनकी मदोसी दूर कर सकते तो। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलिए उनकी नींद आराम कर दे। नहीं बता, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरी उनको नींद से जगा सकती है। दुश्मन की ठोकरी? आप क्या कह रही भाई साहिबा? महारानी, महारानी, आपने कुछ सुना? सुना ही तोपों का सर है मुंदर। लेकिन फिरंगी तोपों का सर फिरंगी आ गए। हाँ, मैं जानती थी वे आएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रघुनाथ राव से कह दो पूछ के लिए तैयार है, किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। जो आज्ञा महाराज। और जो ही तुम अगर तात्या को खोज सको तो तुरंत आने के लिए कहो। महारानी की जय। महारानी, आपने कुछ सुना? क्या रघुनाथ, क्या हुआ सरदार? जनरल रोज की सेना ने मुराद में पेशवा की सेना को हरा दिया है। क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई? ये अच्छा ही हुआ, मैं जानती थी वो हार जाएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। मैं जानता हूँ मैं कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया। जूही, तुम भी जाओ। जूही, अगर तुम तात्या को खोज सको तो तुरंत आने के लिए कहो। महारानी की जय हो। कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे भूल पड़े? इतने बड़े महान सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, ये तो तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन ये तोपों की आवाज कहाँ से आ रही? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई साहिबा, हमें आपको लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती हैं। सात ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? पड़ी हो तो बताओ, मंगवाए जाए। इस तरह मौन क्यों है आप? नहीं भाई साहिबा, यह बात नहीं है। तो क्या नाचने वालियों की जरूरत है? चूही को भेजू? नहीं नहीं भाई साहिबा, और अधिक लज्जित ना करें। ये तो भाग छाड़ने का अवसर है। आप इधर कैसे आ गए? शायद उस दुष्ट पेशवा ने मेरी सेना में भी भाग बांटने की आज्ञा दी होगी। महारानी जी, रोज ने मुराद पर अधिकार कर लिया है। कर लिया तो मैं क्या करूँ, उसने ठीक ही किया। भाई साहिबा, ऐसा ना कहे, क्षमा कर दे। राव साहब ने कहलवाया है। राव साहब ने अब कहलवाया है? अभी तक सो रहे थे, आपने खुली आप लोगों की। इसीलिए तो मैं आया हूँ भाई साहिबा, आज जो कहेंगी वह करूँगा, जो योजना बनाएंगे उसी पर चलूंगा। तो जाओ तलवार संभाल लो, भूल जाओ रंग राज याद रखो। हमें स्वराज लेना है, हमें मौत से रणभूमि से जूझना है। महारानी की जय हो, मैं इसके लिए तैयार होके आया हूँ। लेकिन सेनापति, जानते हो इस बार याद रखना, यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो